अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज हम बात करेंगे फैसलों के हवाले से, डिसीजंस. हम जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे जाते हैं दो कदम. लोगों से मशवरा लेते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा फैसला लिया तो उनके साथ आगे हुआ क्या, क्या यह फैसला उनके लिए कारामद साबित हुआ या नहीं. तो क्या इसी तरह का डिसीजन हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं अबाउट बीइंग happy. सो मैनी पीपल आई मीट, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से उनका ताल्लुक हो, कॉलेज में स्टूडेंट्स हों, उनसे बैठ के अगर बात की जाए ना तो वो एक अलग ही रेस में पड़े हुए हैं. उनको लगता है कि सक्सेस फैक्टर्स, यानी अगर उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, बहुत अच्छी सी जॉब लग जाए, एक बड़ा सा घर वो अपने नाम कर लें, एक खूबसूरत सी लड़की से उनकी शादी हो जाए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे उनको लगता है कि वो खुश होंगे. बट कैन यू बिलीव इट, एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये तमाम चीज़ें आपके बस से बाहर हैं, आपके कंट्रोल से बाहर हैं. तो क्या वाकई कुदरत ये चाहती है कि आप पहले किसी चीज़ को जो आपके बस में ही नहीं है पाएं, उसका इंतखाब करें, अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आएं और उसके बाद आप खुश होंगे? और डू यू डिसाइड टू बी हैप्पी? फैसला कीजिए कि आज आप अपना ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करेंगे. हर एक के पास वही 24 घंटे हैं दिन में, हफ्ते में वही 7 दिन हैं. इसको इस तरह इमेजिन कीजिए कि क्लास में 20 बच्चे होते हैं, उनको इतना ही इक्वल टाइम ऑफ एकेडमिक ईयर दिया जाता है, उतनी ही क्लासेस, उतने ही लेक्चर्स, उतना ही फ्री टाइम. बट सम ऑफ देम डू सो वेल इन अ टेस्ट, वो नोट्स भी बना पाते हैं, वो बाकी चीज़ें भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस वक्त को ज़ाया कर देते हैं. तो आज आपको एक ब्रांड न्यू दिन मिला है जिसमें आपकी सेहत अच्छी है, जिसमें आपके पास वो तमाम नेमतें हैं जिसके लिए दूसरे लोग तरसते हैं. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर डे? और आज के दिन अगर हम 9/11 की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट वाक़यात भी हुए हैं जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है. ख़ास तौर पर अगर बात की जाए आज की दुनिया की, द वर्ल्ड एज वी नो इट टुडे, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो जिनकी पैदाइश सन 2000 में हुई थी, जो आज 18-19 साल के हो गए, इनको एक बड़ी मुख्तलिफ दुनिया मिली है, एंड ऑल थैंक्स टू द इवेंट कॉल्ड 9/11. उसके बाद दुनिया में हमने देखा कि इस्लामोफोबिया जैसा एक कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया, जब लोग हमारे दीन से ताल्लुक़ रखने वाले, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से डरने लगे और समझने लगे कि शायद ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं. इस वाक़े से जुड़े हुए, यानी 9 की जो कार्रवाई हुई थी न्यूयॉर्क में और पेंटागन में, उससे जुड़े हुए कई कॉन्स्पिरसी थेरीज़ हैं. कुछ लोग कहते हैं कि जी दिस वॉज ऑल स्टेज, लेकिन उसका जो आफ्टर माथ रहा, जिस तरह मिडल ईस्ट और हमारा खित्ता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, जिस तरह उससे डीस्टेबलाइज़ हुआ, वो हमारे सामने. कमिंग क्लोज़र टू द डेट, अगर आज की बात की जाए तो पूरी दुनिया में जैसे कहा जाता है कि लेबर्स की, मज़दूरों की कदर करनी चाहिए, उनको उनके बेसिक इंसानी हकूक उनके पास होने चाहिए, लेकिन आज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी हम देखते हैं कि मॉडर्न डे स्लेवरी है. और ये हमारे सामने आया हुआ बल्दिया टाउन इंसिडेंट के पास, जिसमें हमने देखा कि 200 के करीब हलाकतें हुई एक फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री में जो सूरत हाल थी, जो हालात थे, वो हर तरह से इंसानी हकूक की पामाली थे. यानी दरवाज़ों को लॉक लगे हुए थे, कोई एग्जिट्स नहीं थी, फायर एग्जिट्स नहीं थी, और इसमें हमने देखा कि एक आतिशबाजी का वाकया जिसकी वजह से 200 लोग लुकमा अजल बने. और आज तक इसके बारे में हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं. इसका भी आफ्टरमाथ बहुत ज़्यादा भयानक था, क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश, साउथ एशिया, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे ममालिक जहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स की, लेबर यूनियन के ख्याल नहीं रखा जाता, लेबरर्स का ख्याल नहीं रखा जाता, उसको पूरी दुनिया से कंडेम किया गया, और एक दफ़ा फिर लोगों ने ट्रेड के ऊपर और इनकी हालत इज़ार पे नज़रसानी की. अब ज़रा और बात करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से. तो ऑफकोर्स बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज डेथ एनिवर्सरी भी होती है, और ये भी एक तरह से हमारे लिए एक बहुत बड़ा सानहा था, क्योंकि पाकिस्तान के क़याम के तकरीबन एक साल बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ द नेशन, इनकी इंतकाल हो गया, और ज़ियारत में ये मौजूद थे. एंड वंस अगेन इट वाज पॉइंटिंग आउट द फेलियर, हमारे जो चैलेंजेस थे उस ज़माने के, वो इसको पॉइंट आउट करता था, बिकॉज द एम्बुलेंस कुडंट रीच हिम इन टाइम. उनकी हालत, उनकी तबीयत पैसे ही ख़राब थी. जद्दोजहद पाकिस्तान में उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी कीमत अदा की, अपनी पर्सनल लाइफ की और साथ साथ अपनी हेल्थ की. तो आज खिराज तहसीन पेश करते हैं अंबानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को, उनके हवाले से ये पैकेज, आइए देखते हैं.
सुनहरी उसूल जो जिन्ना ने हमें दिए, यानी अगर हम बात करें यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये तीन सुनहरी उसूल अगर हम बहैसियत कम्युनिटी ना भी सही इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी में ही लेके आ जाएं, आई थिंक दैट्स गोना मेक अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. अपनी सारी एनर्जीज को यूनिफाई कीजिए, यकीन रखिए, और फिर डिसिप्लिन के साथ जो कि अपने तमाम अतवार में हमें नज़र आना चाहिए, वो आपकी कामयाबी की जमानत देगी. इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक. वील बी राइट बैक. कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब हमने सोचा कि थोड़े से अवेयरनेस और आगही के हवाले से बात करें, खुसूसन जो बहुत ज़्यादा आजकल वायरल बीमारियां फैली हुई हैं. इसमें एक नाम जो आप बार बार सुन रहे हैं, अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए का है. अगर किसी को बहुत ज़्यादा चिल्स के साथ बुखार चढ़ रहा हो तो फौरी तौर पर कहा जाता है कि आप टेस्ट कराइए, डॉक्टर से रुजू कीजिए, उसको बढ़ने ना दें. और डॉक्टर्स आपको सबसे पहले मलेरिया के या फिर डेंगू का आजकल देखा गया है कि टेस्ट करवाते हैं, एंड अगर वहाँ से आप क्लियर होते हैं तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ obviously going for hepatitis A. लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी myths भी हैं. इसको understand करने के लिए इसके symptoms समझना, इसकी वजूहात समझना, और जिस तरह हम हमेशा कहते हैं prevention is better than cure, तो आप कैसे इसको prevent कर सकते हैं, जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है डॉक्टर अरीज? डॉक्टर अरीज, ऐसा लगता है कि हम अगर चीज़ों की बारीकी में जाएँ तो एवरी थिंग दैट वी आर डूइंग इज़ रॉन्ग. बाहर से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बाहर जो गंदगी है या जो अनहाइजीनिक सिचुएशन है वो हमें बहुत स्केयर करती है. आप लोगों को क्या मशवरा देंगी? सबसे पहले व्हाट आर द रीजंस के हेपेटाइटिस ए इतना तेज़ी से फैल रहा है? अच्छा, आजकल आप देखो, एक तो कराची में जिस बारिशें हुई, फिर उसके बाद वैसे बड़ी ईद पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना, आप देखो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, मक्खियाँ बहुत फैल रही हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में वायरस ग्रो करते हैं. ठीक है, और वायरल हेपेटाइटिस ए जो है, इसको हम आम जबान में यरकान कहते हैं, कुछ लोग पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस बड़ा कॉमनली जॉन्डिस. लेकिन आपने जैसे मुझे भी अभी यू नो शी करेक्टेड मी कि जॉन्डिस बेसिकली एक सिम्टम है, यानी जब आप पीले पड़ जाते हैं, जब आपकी रंगत पीली पड़ने पर लगे, या आपकी आंखें पीली हो जाए, या आपने कपड़े पीले पहने हुए हो, तो उसको कहा जाता है कि जॉन्डिस. लेकिन उसकी कॉजेज डिफरेंट होती है. ये जो एक कॉज हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये आजकल स्प्रेड हुआ है. ठीक है, ये अक्यूट इसलिए क्योंकि अक्यूट का मतलब होता है जो उसी वक्त हुआ है, अर्ली है, और फिर वो ट्रीटेबल है, आप उसको क्योर करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट होती है और वो ठीक हो जाता है. और इसकी फैलने की वजह अनहाइजीनिक है, क्योंकि स्प्रेड होता है वायरस है तो कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है. अगर किसी को हुआ हुआ है, कोई कैरियर है और वो कुछ बना के आपको खाने दे रहा है, चीज़ दे रहा है, तो जिसने खाई वो चीज़ उसको भी चांसेस हैं कि आप रिस्क हो जाते हैं. यानी ये बॉडीली फ्लूइड्स की आप बात करिए, किस चीज़ से फैलता है? देखिए, वायरस जो है ना, वो आप एयर के थ्रू भी जाता है, कॉन्टेक्ट के थ्रू भी जाता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू. यानी प्रॉक्सिमिटी भी इसमें मैटर करती है. अगर किसी ने हाथ ग्लास में पानी पिया, आपने किसी ने, देखिए कुकिंग, अगर आपके घर में कोई बंदा शेफ है फॉर एग्जाम्पल, और उसको हुआ हुआ है, वो कैरियर है और वो आके खाना बना रहा है, तो आप तब भी रिस्क पे हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी अक्यूट इन दैट सेंस कि अगर मिसाल के तौर पे आपने, मैं एक और यहाँ पे, एक हमारे पास एक नया गेस्ट भी आ गया, उससे ज़रा बात करते हैं थोड़ी देर में, और उसको देख के मैं थोड़ी देर के लिए ठिटक गई थी. लेकिन कैरिंग ऑन, कहा यह जाता है कि आप अपने इर्द गिर्द का माहौल ज़रा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें. कुछ लोग बार बार ये भी कहते हैं डॉक्टर अरीज के बाहर से किसी ने आके कुकिंग नहीं की है, हम घर का ही खाना खा रहे हैं, फिर क्या वजह है कि ऐसी कोई बीमारी? पानी आप जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जहाँ से आप चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ग्रॉसरी जहाँ से कर रहे हैं, इससे आपको कैरियर के लिए इसमें, क्योंकि देखिए हम जब एक दिन डेंगू डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कसिंग कि उसका मॉस्किटो जो है वो कैरियर है. ठीक है, वो आपको ट्रांसफ़र करता है, इसमें ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं, एक बाय कॉन्टेक्ट जा रहा है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रिवेंटिव टिप्स. अगर आपने कहा कि पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी जैसे उबाल के पिया जाए, यानी दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू, वॉश करना चाहिए आपको अच्छी तरीके से, बाहर से कोई चीज़ें ना वॉश करें. बाहर खाना जब आप खाने जाते हैं, अगर आप ईटिंग आउट करें, तो चेक करें कि वहाँ पे कैसी क्लीनलीनेस, कैसी हाइजीन, कैसी है उस एरिया की, उस प्लेस की, वहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छा है. रोड साइड्स थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे जो आजकल वेदर स्पेशली हुआ हुआ है, जब ज़्यादा डिजीज़ फैल रही होती है, क्योंकि आप देखें हॉस्पिटल में आता है तो एक न्यूज़ पर भी आ जाता है कि आजकल चीज़ स्प्रेड हो रही है, उस वक्त अवॉइड कर लें. डेली बेसिस पर आप ये लाइफ लॉन्ग तो नहीं कर सकते, लेकिन जब स्प्रेड हो रही हो तब अवॉइड कर लें. बिल्कुल. अच्छा, इसकी कोई प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन होती है? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो आती है, लेकिन फिर वही बात है कि हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं,
आप हेपेटाइटिस ए की भी करा रहे हैं, बी की भी करा रहे हैं, सी की भी करा रहे हैं, एंड इट्स स्प्रेडिंग. ज़रूरी नहीं कि उस वक्त आपकी इम्यूनिटी हो, क्योंकि कैरियर स्टेज जो है ना, इसकी इंक्यूबेशन ज़्यादा होती है. यानी आपका एक्सपोजर पहले हो गया है, तो आप और उसके बाद अगर आपने वैक्सीनेट भी कर लिया तो इट डजंट मैटर. अच्छा, आमतौर पर जो हम कहते हैं कि हेल्दी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आजकल सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो वो रोड साइड पर उसके हॉकर्स बैठे हुए हैं. मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं. कभी कभार मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप, आई डोंट नो, कुछ लोग अगर इसके बारे में पर्टिकुलर हैं या नहीं, लेकिन सब्जी फरोश या जहाँ फ्रूट फरोश बैठा है उसके बिल्कुल ही साथ बहुत सारा गार्बेज डंप हुआ है, एंड पीपल जस्ट डोंट केयर. यानी वहीं से हम चीज़ें खरीद रहे हैं. मुझे हैरत तो सब्जी फरोश पे भी होती है कि वो उस जगह पे अपना ठेला लगा के बैठा हुआ है, यानी डज ही नॉट केयर, वो पूरा दिन उसके साथ बैठा हुआ है. सो इट्स रियली ऑकवर्ड. लेकिन अगर हम वो यानी वो ग्रोसरी घर में आती है, फिर उसके साथ क्या किया जाए, किस तरह उसको साफ अच्छी तरह वॉश करना चाहिए. एक सिंपल सी टिप होती है कि विनेगर से वॉश कर लें. ओके, ठीक है. उससे ये होता है कि एसिडिक होता है नेचर में, थोड़ा सा क्लीन हो जाता है. पील करके खाएं फ्रूट्स, ठीक है. आप कह रही हैं कि जो विनेगर यानी सिरका होता है, पानी में थोड़ा सा मिला के डाइल्यूट करके उसको वॉश कर लें. Okay. अच्छा, ये स्पेशली जो जैसे हम लोग बंद गोभी लेते हैं या स्पेनिश लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि उनके अंदर एक तो वाटर रिजर्व्स होते हैं, पोर्स ऐसे होते हैं, वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि वो वाटर को रिटेन करती हैं, और वो फिर आपको वो पानी जो है जो उसके अंदर होता है ना एक नेचुरली, वो अफेक्ट कर देता है. अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे फ्रूट्स का जिक्र हो रहा है, मौसम के अगर फलों की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि एक तो पील ऑफ करके उसको खाएं, केला अगर आप खाते हैं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पीचेस वगैरह को आपने करना है जरा देख के करना है, उसको अच्छी तरह वॉश करें. आजकल सॉफ्ट ब्रशेस भी आते हैं स्पेशली फॉर फ्रूट्स, कि अगर जब आप उसको धो रहे हैं तो आप हल्का सा उसको स्क्रब कर सकें. अंगूर बहुत डिफिकल्ट होते हैं धोने करने के लिए, लेकिन जब आप उसको बाहर से लेके आए, थोड़ी देर के लिए उसको पानी में सोक कर दें, ठंडा पानी हो जिसमें सोक करें, वरना फ्रूट जल्दी खराब होता है. लेकिन उसको 10-15 मिनट सोक जरूर करें, उसके बाद फाइनल रिंस करके आप फ्रिज में रख सकते हैं. लास्टली, अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो चुका है और डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया, देन व्हाट आर द, यानी आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? रेस्ट बहुत ज्यादा कर, थोड़े सिम्टम्स थोड़े से मैं बता दूं, क्योंकि इसके डिफरेंट होते हैं. जरूरी नहीं कि हाई ग्रेड फीवर हो, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है. नौजिया बहुत होता है, भूख लगना वो खत्म हो जाती है, एनोरेक्सिया हम कहते हैं, एब्डोमिनल पेन होती है. तो ये थोड़ा डिफरेंट है अदर देन अदर वायरल फीवर. जो वायरल फीवर हम कहते हैं कि शेवर बहुत हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर, उस तरह का नहीं है. और इट डजंट सेटल विद इन द फीवर, तो सेटल हो जाएगा. लेकिन ये आप जो वायरल हेपेटाइटिस ए होता है, तो अगर फीवर वगैरह सिम्टम्स सेटल हो भी गए हैं तो कैरियर रहता है अप टू 2 वीक्स तक. तो 2-3 वीक्स आपको एहतियात करनी है. सही. तो इसमें अच्छा, इज इट इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई कैरियर है तो फिर घर में सभी को हो जाएगा? देखिए, नहीं, ज़रूरी नहीं. हर एक की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, एवरी वन हैज़ डिफरेंट इम्यूनिटी. लेकिन क्या घर में रहते हुए प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं? प्रिकॉशन से वही बात है कि आप बर्तन थोड़े से अलग करते हैं, कोशिश करें छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी होती है, ओल्ड एज है, बीमार है या छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, वो कांटेक्ट कम करें. सही. ठीक है. और अगर हो गया किसी को, सिंपल इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. फीवर आपने ट्रीट करना है, फ्लूइड्स बहुत अच्छे देने, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है. आपका लिवर इफेक्ट हुआ है इसमें, जो भी पेशेंट है उसका लिवर जो है वो फंक्शन नहीं प्रॉपरली कर रहा. लिवर हमारा जो है वो बाईपास करता है, जिससे हमारी सारी चीज़ें, फूड है, मेडिसिन है, वो जा रहा है. कि जब भी आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अटैक हो किसी चीज़ का, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फ्लूइड्स वैसे भी ज़्यादा कर दें. एक तो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, प्लस उस वायरस को वॉश आउट होने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा. तो ये एक नॉर्मल टिप है, आपको बुखार हो, वायरस हो, कोई भी चीज़ हो, आप पानी और फ्लूइड ज़्यादा लें. हाइड्रेशन वैसे भी अच्छी रखनी चाहिए, स्पेशली कराची में हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए. सही. क्योंकि ह्यूमिड वेदर में हमारी जो है हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती. हाइड्रेशन का मतलब है पानी और नमकियात, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके अच्छे होने चाहिए और पानी भी अच्छा होना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, अब आपने बात की, एक आपने कहा सिम्टोमेटिकली उसके सिर्फ फीवर को ट्रीट किया जाता है, इसके जो सिम्टम्स या साइंस आपको नजर आते हैं, थोड़ा पीलापन हो सकता है, आए ना आए, लेकिन दैट्स जस्ट नॉट द टेलिंग टेल. इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, लेकिन बुखार की कैफियत होगी, नौजिया बहुत ज्यादा होता है, यानी वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन आपने कहा कि वो आप थोड़ी सी तकलीफ होते हैं, जो बेसिकली एलएफ लिवर फंक्शनल टेस्ट हम जो कराते हैं उसमें हम देखते हैं, वो ज्यादा होते हैं तो
स्किन येलो होना शुरू हो जाती है, वाइट ऑफ द आई जो होता है ये होना शुरू हो जाता है। नेल्स में क्या आपको एक पिलाहट नज़र आती है उस पेशेंट के अंदर, आप कोई देख के वो ये नहीं कह सकता कि इसका वो एक कहते हैं ना वीक है या वो नहीं, येलोनेस आती है स्किन की, चेंज हो जाती है, दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड जॉन्डिस, या वो कह लो पीलिया हो गया जो कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। अच्छा एक चीज़ इसमें कॉमनली लोग जो कहते हैं आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये इफेक्टिव है या नहीं, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, देखिए फ्लूड्स लेने चाहिए और ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसपे लिवर को ज़्यादा फंक्शन नहीं करना पड़े, जैसे अगर आप मीट को बहुत ज़्यादा लें या ऑयली फूड लें तो लिवर का ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, तो फ्रूट जूसेस हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं वो इजी होते हैं, लिक्विड्स हैं, ओट मील है, ये चीज़ें जो इजेस्टेबल हैं, स्पेशली जो पपाया है या मैंगोज़ हैं या इस तरह के फ्रूट्स हैं जिसमें रेड कलर होता है, दे आर हेल्प इन वो लिवर के एंजाइम्स को सपोर्ट करते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज फॉर यू नो इतना आपने इसमें वक्त लगाया, एंड वी नो एग्जैक्टली सम ऑफ द सिम्टम्स यू नो देम, और इसके अलावा इसको प्रिवेंट करना, देखिए अगर आप आपको पता चल जाए कि आप इसके कैरियर हैं तो यू आर गोइंग टू रिमेन अ कैरियर फॉर 2 वीक्स, उस वक्त एहतियात करना बेहतरीन है, घर में वो लोग जो ज़यीफ़ हैं या फिर छोटे बच्चे उनकी इम्यूनिटी लो होती है, कुवत मदाफियत उनकी लो होती है तो वो इसको जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ देम। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले जिस तरह हमने कहा कि हुबुल वतनी का जो हमारा जज्बा है वो उसकी कोई कैद नहीं है सिंफ के हवाले से, उम्र के हवाले से, हर शख्स खास तौर पे ये जब महीने आते हैं और हम अपनी हिस्ट्री को एक दफ़ा पलट कर देखते हैं, क़याम पाकिस्तान की तरफ नज़र डालते हैं, और खसूसन जैसे कहा गया कि 6 सितंबर और आज 9/11 बानी पाकिस्तान की डेथ एनिवर्सरी, तो हर एक शख्स महसूस करता है कि वो पाकिस्तान के लिए जो उसकी मोहब्बत है उसका इजहार करना चाहता है। आज हमारे पास एक खसूसी वीडियो है जी सईद के हवाले से, सईद का ताल्लुक पेशावर से है, वो अपने मखसूस अंदाज में पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और ये जो उनका नगमा है गाया हुआ ये इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हुआ हुआ है, तो आपको इसके हवाले से एक पैकेज भी दिखाते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। लेट्स टेक अ लुक एट दिस फर्स्ट। शहीद मरता नहीं, जीते जी डरता नहीं। पैदाइशी तौर पर माजूर मगर हौसले चट्टान, धरती पर मर मिटने के लिए तैयार है वतन का बेटा सईद खान। मुझे एक मौका मिले कि मैं अपनी फोर्सेस के डिपार्टमेंट में बैठ के उनके साथ काम करूं और मुल्क कौम की खिदमत करूं। सईद खान ने वतन के मुहाफिजों के लिए नगमा भी तैयार किया, माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया, पढ़ लिख कर ग्रेजुएट बना, अब फौज में भर्ती होना चाहता है। हिम्मत और जज्बे की मिसाल ये भी है पाकिस्तान। जी सईद खान का आपने ये पैकेज देखा, जैसा कि हमने कहा कि जो हुबुल वतनी का हमारा जज्बा है वो पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सारे नौजवान उसका इस तरह से इजहार करते हैं जिसका कोई सानी नहीं है मिलता, और खुसूसन 6 सितंबर के शो में भी जब हम बात कर रहे थे फ्रॉम विद आर ऑफिसर्स ऑफ द फोर्सेस, उनका कहना था कि पूरी दुनिया में हम कहीं नहीं देखते कि लोगों का इतनी वालेहाना मोहब्बत अपनी फोर्सेस के साथ हो, अपने मुल्क के साथ हो, तो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली आवर स्ट्रेंथ। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, विल बी राइट बैक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान से, यानी एक ऐसा पाकिस्तान का रूप और चेहरा जिसको हम जानते हुए भी शायद नज़रअंदाज करते हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ख़ास शख्सियत से, ख़ास इसलिए भी बिकॉज इन्होंने अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ को अपने आड़े नहीं आने दिया। ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, लेकिन एट द सेम टाइम दैट बिकेम हिज पर्सनैलिटी एंड हिज रियल हॉलमार्क। आपको बताते चलें कि 2015 से ही गॉट सेलेक्टेड बाय द स्पेशल ओलंपिक्स टीम ऑफ पाकिस्तान, और 2017 में पाकिस्तान को बाहर विंटर यानी वर्ल्ड विंटर गेम्स में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी थी कि यूनिसेफ की तरफ से एक मुहिम चलाई गई, इस कैंपेन का नाम था आई एम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और इसके लिए मुल्क भर से जो ख़ास तौर पे कामयाब बच्चे थे उनको सिलेक्ट किया गया, उनकी कामयाबियों को उनकी अचीवमेंट्स को एक साथ लेके चले वो, और उनको शॉर्ट लिस्ट करना था। सबसे पहले जब ये इब्तदाई मराहल में था तो 1500 बच्चों को ऑल थ्रू आउट द कंट्री सिलेक्ट किया गया था, जिस
जिसमें से 300 को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद ये नंबर पहुंचा टोटल 14 पे एंड ही वाज वन ऑफ देम। आज आपकी मुलाकात कराएंगे हमीजुद्दीन से, लेकिन सबसे पहले उनके बारे में ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आइए देखते हैं। जी डेफिनेटली हमीजुद्दीन इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और हर कामयाब शख्स के पीछे जिस तरह कहा जाता है कि एक खातून होती है और वो होती है माँ, जिसका हौसला, जिसकी हिम्मत और ख़ास तौर पे उसका जो यकीन होता है अपने बच्चे पे, वो उसको किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े मुश्किल का सामना करने का हौसला देता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमीजुद्दीन और उनकी वालदा स्किम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का हमीज। कंग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह आपका जो सफ़र है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और मेरे ख्याल में जिस तरह आपने मैसेज दिया ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नहीं, दिस इज़ फॉर ऑल द चिल्ड्रन आउट देयर टू बिलीव इन देयर ड्रीम्स। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत के बारे में आपसे जानना चाहूँगी स्किम, कि आपने कैसे फैसला किया कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना है और यू नो एसोसिएशंस, यूनिसेफ, ये तो सब बाद में आए, सबसे पहले आपने उनको पुश दी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपका अपना क्या ख्वाब था? मेरा ख्वाब ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चे जब बचपन से ही ये खेल कूद की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मैंने सोचा कि बच्चों को इसमें ही ज़्यादा आगे बढ़ने का शौक़ है तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो जितना हो सकता था मैंने भी टाइम दिया, बच्चे खुद भी इसमें बहुत कोशिश किया, बच्चों ने भी, और मैं स्कूल की तरफ से जो मेहनत फातिमा स्कूल में पढ़ते थे, टीचर्स की भी मेहनत रही और पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स की भी, तो बच्चों को आगे बढ़ने में ज़्यादा। आपने कब रियलाइज़ किया, जैसे आपने कहा कि इनके स्पीच का थोड़ा सा मसला है, तुतलाते हैं और इस पे काम भी हुआ होगा, स्पीच थेरेपी वगैरह की आपके पास वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, वसाइल मौजूद हैं? ये महीना स्वाद में जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ पे बाकायदा इनको थेरेपी कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा इनकी प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे इनकी एडमिशन करवाई, काफ़ी कोशिश होने के बाद ये थोड़ा बोलने लगे। अच्छा, मुझे बताएं कि शुरुआत में जब ये बोलते नहीं थे या बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थे, कभी इस बात पर हमीज यानी उदास हो जाते थे, कभी इनका हौसला कमज़ोर पड़ता था? कभी ऐसे होने नहीं दिया, बाहर सूरत पेरेंट्स की, जब इनके साथ पेरेंट्स होते हैं तो मैं नहीं समझती हूँ कि बच्चों को ये एहसास हो। ठीक है, लेकिन मुश्किल होगा? मुश्किल तो ज़रूर होता है थोड़ा सा। सही। अच्छा, और जब ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, शुरू से ही आपने देखा कि जब ये जीत के आते थे या जब प्रैक्टिस करते थे तो एक खुशी की लहर, और ख़ास तौर पे उन वालदेन को कहना चाहेंगे जिनके बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन हैं या अदरवाइज भी, मुझे लगता है कि बच्चों का एक पैशन, एक कोई ऐसी दिलचस्पी उनकी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, उनको बहुत ज़्यादा हौसला देती है, आप क्या कहेंगी? इसमें जो है स्पोर्ट्स में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी तो हम भी कोशिश करते थे, इनके जो बड़े भाई, मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी अपनी तरफ से बहुत उसने मेहनत की, साथ दिया, और इनके पापा की तरफ से भी काफ़ी उसके लिए, और जाहिर सी बात है घर पे हर वक्त मैंने ही टाइम देना था। अच्छा, मुझे बताएं, तो एक तो होता है कि बच्चा आपकी नज़रों के सामने है, प्रैक्टिस कर रहा है, जब पहली दफ़ा हमीज मुल्क से बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए तो आप थोड़ा घबरा रही थी? नहीं गई थी, तो ऐसे मतलब तवक्कल मैंने अल्लाह पे इतना किया कि मैंने कहा जैसा करेगा अल्लाह ही बेहतर करेगा, और बच्चों को भी ये हौसला, कभी कभार बच्चे घबराते थे कि ये खेल बहुत मुश्किल है स्की करना, तो मैंने कहा हार जीत होती है खेल में, आपने घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, आपने आज आप हार गए ना कल तो ज़रूर जीत जाओगे, आपने मेहनत जारी रखना है तो फिर बच्चों ने भी इस तरह से मेहनत जारी रखी, एक दो दफ़ा इनको चोट भी लगी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2017 में जब ये बाहर गए उसके बाद तो इनमें ज़्यादा शौक पैदा हुआ और मेहनत करने का और भी लगाव पैदा हो गया। सही। हमीज जब मुल्क से बाहर गए थे कंपटीशन के लिए कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जहाज में पहली दफा गए थे? मैं पहली दफा गया था मुल्क से बाहर। डर लग रहा था? नहीं नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में जो मुकाबला होता है और बाहर जो मुकाबला होता है उसमें कोई फर्क है?
बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या फर्क होता है? मतलब होता ये होता है पाकिस्तान में तो हम अपनी कम्युनिटी से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बाहर ये होता है कि हर किस्म के लोग आते हैं। सही, कोई चौदह के बहुत सारे ममालिक से 117 ममालिक से लोग आते हैं। लोग आते तो जब पहली दफा तुम उनसे मिले तो कोई हुंजा से उनके लिए तोहफा लेके गए थे अपने साथ? हाँ, हमारा ये हमारा था कि टोपी हम लेके गए थे। आप उनको बुलाना चाहोगे पाकिस्तान के? आप पाकिस्तान आए और यहाँ पे मुकाबला करते हैं, उनको नलतल लेके जाते हैं? ये तो काम पर ये काम तो ज्यादा आपका दिल चाहता है, लेकिन ये जितने जितने लोगों से जितने वहाँ पे दोस्त बनाए बाहर के मुल्कों के लोगों से मिले हो कि वो भी पाकिस्तान आए। अच्छा, जो खूबसूरती होती है ना, जो पहाड़ की खूबसूरती होती है, बर्फ की खूबसूरती होती है, वो बाहर के मुल्क में ज्यादा है या पाकिस्तान में ज्यादा है? ये पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा है। अपना अपना मुल्क देखें, हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और हमीज को तभी कहते हैं कि ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हमीज, अभी हमने आपके पैकेज भी देखा, तो हमारे व्यूअर्स के लिए उस तरफ कैमरा में देख के एक दफा जरूर ये कह दें, आई एम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आई एम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त। अच्छा, इसके मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या ख्वाब देखा है? आप चाहती हैं कि हमीज इसी फील्ड में अभी अपने आप को और आगे लेके जाएं और मुकाबलों में हिस्सा लें? हमीज के साथ इसकी बहन भी है, मेरी बेटी भी, मैं चाहती हूँ दोनों आगे साथ साथ ही जाए इंशाल्लाह, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरा ख्याल है कि इनका मुस्तकबिल स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा। तो मेरी कोशिश भी यही है कि दोनों को मुख्तलिफ गेम्स में, अभी इस साल इनके समर गेम्स में स्पेशल ओलंपिक्स की तरफ से स्विमिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन आई थी हम इसकी भी उस वक्त, और तहमीना की भी फर्स्ट पोजीशन थी। तो मैं चाहती हूँ मुख्तलिफ खेलों में ये आगे बढ़े और मुस्तकबिल में ये एक अच्छे मतलब कोच अच्छा, बने। आपने इनकी पर्सनालिटी में, इनकी शख्सियत में कोई तब्दीली देखी जब ये बाहर से कम्पीट करके आए? अब ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, कॉन्फिडेंस आ गया, क्या तब्दीली आपने नोटिस की? बहुत तब्दीली मैंने देखी, एकदम चेंजिंग आ गई इनमें। जब ये बाहर गए, बाहर के अलावा जब ये नेशनल सतह पे इनकी ट्रेनिंग होती मतलब हो रही थी तो उस वक्त ही इनमें चेंजिंग आएगी। अच्छा, बिल्कुल आई थी। तो जब ये बाहर गए, बाहर से तो एकदम ही चेंज हो गए थे। मुझे नहीं लगता था कि कहीं से वो बचपन में याद करती थी, तो मुझे नहीं लगता शायद वो मेरा ख्वाब है। यानी वो डरे डरे सहमे हर चीज़ में आपकी तरफ देखना, वो चीज़ को छोड़ के अब एतमाद ज़्यादा आ गया। बिल्कुल, वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता था शायद वो मेरा ख्वाब है, अब भी बिल्कुल चेंज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी उन वालदैन को जो अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि यू नो सिर्फ पढ़ाई करो, कोई आपने स्पोर्ट्स नहीं करना, कुछ नहीं खेलना, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट आके दिखाओ? तो जिली आपने हमीज़ में महसूस की जब वो स्पोर्ट्स करते हैं, जब वो जीत के आते हैं, जब वो कम्पीट करते हैं, क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले ये है कि बच्चों में मैं स्पेशल बच्चों की तरफ जाती हूँ। अक्सर वालदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे स्पेशल नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत उनमें कमज़ोरी हो होने के बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे बच्चे स्पेशल नहीं है। एक टाइम उनके मतलब सामने आता है तो वो खुद बच्चे खुद समझते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं चल पाएंगे। तब पेरेंट्स के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बच्चों के लिए तब आपको चाहिए होता है हौसला। हौसला तो मैं समझती हूँ कि शुरू में ही ना पेरेंट्स पे बातचीत ज़रा गर्मा गर्मी हो गई है, ऐसी सूरत हाल में जो शख्स चुप रहता है, बात को नहीं बढ़ाता, वो ही असल में दाना है। और इस तरह की बहुत सारे आपको अक्वाले ज़री भी मिलेंगे, अहदीस भी मिलेंगी, जिसमें कहा जाता है कि अपने गुस्से को काबू में रखो, और वही शख्स जो अगर हक पर भी है, बात को ना बढ़ाए, अगले को माफ़ कर दे, असल में उसके लिए बहुत ही खैर और आफियत है आगे। लेकिन अब इसको कई तनाजुर से भी देखना ज़रूरी है। कुछ लोग बुली भी होते हैं, कुछ लोग अगर कमज़ोर हैं और वह वाकई चुप साध लेते हैं, बात को बढ़ाते नहीं हैं, तो देखा यह भी गया है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग हैं वो इन पे हावी हो जाते हैं और इनसे अपनी बात मनवा लेते हैं, कभी इनके साथ इनके चुप रहने की वजह से ज़्यादा ज्यादती भी हो जाती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कैसे गेज करें कि किस मौके पे
हमें चुप रहना है और किस मौके पे हमें अपने लिए आवाज़ उठानी है। आज हमारा यही टॉपिक है और ख़ास तौर पे ख़वातीन अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, कभी कभार हम मसलहतन जब चुप रहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा चलाक है, बड़ा घुन्ना इंसान है, उस वक्त इसने कुछ नहीं बोला और पीछे जाके इसने कार्रवाई कर दी। तो कब चुप रहें और कब आवाज़ बुलंद अपनी जो मुखालफत है, अपना जो प्रोटेस्ट है, उसको रजिस्टर कराएं। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। एक पैनलिस्ट थोड़ी देर से आ गई हैं तो वो ज़रा दूर बैठी हैं, अभी वो पैनल को थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, लेकिन जो हमारे साथ बैठे हैं, माइक्ड अप हैं, ज़रा उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर इकबाल आफरीदी, और साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट हेड हैं आप जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज एट द JPMC। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल फॉर बींग है। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं द वन एंड ओनली, द वेरी फेमस मिसेस खान। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? ऐसी हूँ कि इस वक्त मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल रहा, मुझे पूरी दुनिया से कॉल आ रही है। अच्छा मुझे बताएं, आज जरा टॉपिक से पहले थोड़ी आपसे छेड़छाड़ हो जाए, क्योंकि आपसे जरा मोहब्बत का, दोस्ती का भी तो रिश्ता है। बात नहीं, आपको लगता है कि उस वक्त चुप रहना ज्यादा बेहतर होता शायद? हाँ, बाज़ अवकात मसलहतन भी आप चुप रहें और बाज़ जगह ऐसी बातें होती हैं कि चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मुझे टॉन्ट करें या मेरे बारे में पूछ रही हूँ, देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल नहीं आपको टॉन्ट करी, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूं कि आपको लगता है कि मेरी नेचर बचपन से हम लोग ऐसे हैं, लाइक माय फादर वाज लाइक दिस, अब कहा जाए कि वो दिल में कोई चीज नहीं होती थी उनकी, एट वंस ही यूज्ड टू अरप्ट एंड ही यूज्ड टू से व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, ही यूज्ड टू एट वंस से, जैसे मैं ना, मेरे दिल में होती है ना कोई बात, मैं एकदम बोल देती हूँ, बट आई डोंट हैव एनी ग्रज, आई डोंट हैव एनी वेनम, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं होता, मैं बस कह देती हूँ और मेरा दिल क्लियर हो जाता है। मैं और औरतों की तरह नहीं हूँ, इसने एक वर्ड सुना होगा कि वो बड़े दिल में रखते कदूरत और फिर दूसरों से। ये जो वर्ड है इस पर जरा हम खास बहस करेंगे, बल्कि बहस के इसको जरा डिस्कस करेंगे कि वो जिसको हम एक तरफ कह रहे हैं कि मसलहतन चुप हो जाना जरूरी है या अच्छा है, उसको कभी कभार लोग कहते हैं ये तो बड़ा मीसना है, ये मीसना क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मिसेस खान, आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, आप जब यहाँ पे नहीं भी थी तब भी मैंने ये बात कही थी, मुझे ऐसा लगता है कि यू वर कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एक पूरी गुफ्तगू में से एक खास टुकड़े को निकाल के उसको वायरल किया गया, उसकी जो भी यू नो प्रॉब्लम्स थी, जो बात आप कह रही थी शायद लोगों को गिरा आपके अल्फाज के इंतखाब से लगी, या खवातीन, वो खवातीन जो समझती हैं कि भाई उनके दिल पे ये गुजरी हुई है बात कि गर्म रोटी और यू नो घर की सफाई, इन्हीं चीज़ों पे जब झगड़े होते हैं, लेकिन आई फील आपने बात सही भी की। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय हाउस राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड व्हेन आई वाज बीइंग रेज्ड बाय माय मदर, तो मैंने देखा जब हमारे वालिद अल्लाह बख्शे हॉर्न बजता था तो वो उनकी सब चीज़ें तैयार होती थी, हमारे उस ज़माने में गरम सालन दोपहर को भी बनता था, कॉन्सेप्ट नहीं था फ्रिज में रख रख के खाओ, नहीं था फ्रिज था। आई फील जिस तरह मैंने इसको कंक्लूड किया था अपनी एक और कॉन्वर्जेशन में, मुझे लगता है हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि गुज़िश्ता 10 सालों में 20 सालों में हमारी ज़िंदगियाँ बहुत तेज़ी से तब्दील हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद पिछली जनरेशन, हमारी मदर्स की जनरेशन, मिसेस खान की जनरेशन तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, आज वो नॉर्म बन गई हैं। तो हम एक ऐसे दौराहे पे एज अ सोसाइटी खड़े हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ आरा के लोग एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हर एक को अपनी बात कहने का हक है। और ये मैं अक्सर बात कहती हूँ कि कंजर्वेटिव्स तो अपनी बात कह के बेचारे बदनाम हो जाते हैं, जो लिबरल्स हैं ना, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, उसमें सबसे पहला जो कलीदी नुक्ता है वो ये होना चाहिए कि आप अगले की बात को सुनें और समझें, चाहे वो आपकी राय से कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। जब आप आउट राइट कंजर्वेटिव थाट को रिजेक्ट करते हैं, दैट इज़ अ फॉल्ट एट योर पार्ट एज वेल, थोड़ा खुले जहन से, खुले दिल के साथ अगले की बात सुने। अच्छा जी, आज हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। डॉक्टर इकबाल, एज आर अदर गेस्ट ज्वाइंस अस, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब लोग आपके पास आते हैं और ये बात की कंप्लेन करते हैं कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, वो शख्स अपना वर्जन आपसे बयान कर रहा है, उसमें कितनी सदाकत है, ये आप कैसे तायुन करते कहते हैं? उसका हम अंदाजा लगाते हैं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट पे हम कुछ असेसमेंट नहीं करते, बल्कि उसके कई पहलू देखते हैं कि वो मौका क्या था, क्या बात हो रही थी, सामने वाला कौन था। तो देखिए, जब भी बात की जाए तो बात उस वक्त की जाए जिसमें खुद को या दूसरों को उससे फायदा हो, अगर बेहतर बात क्रॉस चेक करते हैं। हाँ। जैसे एक खातून आए, वो आपसे कहे कि जी मेरे ना मेरे बच्चे सुनते हैं, ना मेरे हस्बैंड सुनते हैं, घर में मेरी कोई आवाज़ नहीं है, और पता चले कि घर में वो माशाल्लाह घन घरज के साथ सुनी जा रही हैं, तो आप ये कैसे पता लगाते हैं कि वो सही कह रही हैं या शी स्टिल फीलिंग अनहर्ड?
वो फिर अंदरूनी तौर पर हम उसे खोज लगाते हैं, यही हमारी स्किल है कि एक तो पूछते हैं क्या हाल है, सब क्या खैरियत है, लेकिन हम अंदर से कुरेते हैं कि आप अंदर से तबीयत कैसे महसूस हो रही है, बोझल है, उदास है, या जो है गिले हैं, शिकवे हैं, उसको हम फिर हम वेंटिलेट कराते हैं, निकालते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उस वक्त क्या हालत होती होगी और अब जो रिप्रेजेंट कर रही है क्या उसमें मासलत है या नहीं है। अच्छा, आज जो अब हमें कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन कर रही है, हमारे साथ मौजूद हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, ये जो गुफ्तगू हो रही है इससे इसी का सिरा आपसे जोड़ते हैं। मुझे ये बताइए कि हम अक्सर अल्फाज का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी हम बोल बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन हम कह नहीं पा रहे होते जो दिल में है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है और उस टाइम के लिए ही ये लफ्ज़ कहा गया है, एक चुप सौ सुख। हाँ। क्योंकि उस टाइम आप गुस्से में भी होते हैं या कुछ इतनी एंजाइटी हो चुकी होती है बातों की कि आप सही अल्फाज का चुनाव नहीं करते, अगले तक अपना पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे होते हैं। मुझे तो लगता है अक्सर आप कुछ कहने के लिए जा रहे होते हैं और अगले के चेहरे के तासुरात देखकर ही आप चुप हो जाते हैं मिसेस खान, कि अब तो ये जरा सी बात कही तो ये फ्यूल में ना आग लगाने वाली बात है, अभी मलबा गिरेगा। लेकिन एक बात बताऊं, आजकल मेरा ख्याल आपका एक नौकर भी होगा ना, वो आपको कन्वे करेगा अपनी पूरी बात। अब वो माहौल नहीं हुआ है कि अब आप अपने बड़ों से इतना डर रहे हैं, नहीं, वो खौफ ख़त्म हो गए। जैसे हम अपने ज़माने में जैसे हॉर्न सुनते थे अपने वालिद का, तो हम अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते थे कि अब शिकायत लगी अब पड़ जाएगा एक अब्बा से। हाँ, तो अब ये है कि अब बच्चे आपके, अब आप देखें हाउ बोल्ड दे आर वेरी बोल्ड नाउ, तो वो अपनी पूरी बात आपको समझाएंगे, आप तक लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे दिस इज व्हाट दे वांट एंड दिस इज व्हाट दे डोंट लाइक। चाहे हम उसको लाइक करें या डिसलाइक, बट वी स्टिल हैव टू ओबे देम, वी स्टिल हैव टू लुक फॉरवर्ड। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती कि जो मेल पर्सपेक्टिव है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आदमियों की बात करें और अक्सर हम उनको एक डब्बे में डाल देते हैं कि जी इनकी तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, इनको कब चुप रहना है, कब गुस्सा करना है, इनको पता ही नहीं है। लेकिन यही मर्द हजरात होते हैं, इनको अपने ऑफिस में सब कुछ पता होता है। सलमा, बॉस अगर गुस्से में है तो चुप हो जाओ, बीवी अगर गुस्से में है तब क्यों नहीं चुप होते? घर की मुर्गी डाल बराबर का मुकाबला चल रहा होता है तब देखें दो चीजें आ रही होती हैं, एक ये कि बीवी को आगे से बोलना नहीं चाहिए, कोई सुनता है, बच्चे देख रहे हैं, नौकर, सारी चीजें। दूसरी चीज़ है कि आपको पता है जब ऑफिस के अंदर गुस्सा चढ़ा होता है और बात आपकी गलती नहीं होती और आपको अगले से सुनना पड़ता है तो वो आपका बॉस होता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंडर जो काम करने वाले हैं आप उनकी बात बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उनको बात करने के बाद, डांटने के बाद एक ईमेल कर रहे होते हैं बॉस को कि इन्होंने ये गलती की है या मेरे साथ। अब तो आप सबऑर्डिनेट्स की बात भी सुनते हैं। देखिए, वर्क कल्चर भी बदला है कि आप बॉस ही क्यों ना हो, अगर आप बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में, इट इज अगेंस्ट द वर्क एथिक्स। आपको अब समझाया जाता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से भी क्या बात कर सकते क्या नहीं कर सकते। डॉक्टर इकबाल, ये इंटेलिजेंस हम अपने घरों में क्यों नहीं? हाँ, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि अब कम्युनिकेशन के जराए और मोड्स चेंज हो गए हैं। पहले लोग खामोश होते थे तो अब तो ये है कि आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को भी SMS और ईमेल कर देते हैं और वीडियो बना के वायरल हो जाते हैं, वायरल भी कर देते हैं, तो लिहाजा कम्युनिकेशन के तरीके कार और हाँ उसमें ये खत्म हो गया, क्योंकि डायरेक्ट बैरियर खत्म हो गए ना, बैरियर आप डायरेक्ट वो करते हैं। पहले तो आप सीनियर से बात करते हुए एहतमाम, अल्फाज का चुनाव कैसे लिखें, अलकाब व आदाब, ये सब। अरे भाई, लिखने में 100 दफा सोचते थे कि भाई अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिए सतर तो फिर ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी। एक चीज ये भी रहेगी मियां बीवी, ये जो हम ऑफिसेस की बात कर रहे हैं या इतने ऊंचे उस पर बात करें, अगर घर में आपकी लड़ाई और आप बेगम ये कहती हैं मैं खामोश हो गई, मियाँ कहता है मैं खामोश हो गया, मैंने बात ही नहीं करनी, लेकिन वो मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे होते हैं जो हमेशा गलत इंप्रेशन दे रहे होते हैं। आपकी बात सही तरह कन्वे नहीं हो रही होती है। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि बात कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से सहमते हैं, जब आप गुस्से में या एंजाइटी में होते हैं बहुत ज्यादा, जब आप तकलीफ में होते हैं तो आप वो बातें कह नहीं पाते जो आपके दिल के अंदर और मिस फायर कर रहे हैं। बिल्कुल मिस फायर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक इमेजिन कीजिए कि एक शख्स है जिसको झुंझलाहट आ रही है, जो बहुत गुस्से में है, उसकी 100 ग्रीवियंसेस हैं एक बंदे के साथ, जो असल नुकता है उसके बजाय इधर उधर की हवाई फायरिंग ज्यादा हो रही होती है। पुरानी बातें, खास तौर पर जो कहना हम चाहते हैं कि जो भी बात की जाए, अगर कोई इनकार भी करना है या कोई अपने एहतजाज भी करना है तो इतने शायस्ता अल्फाज से हो, जिस तरह से आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ अगर वीजा रिफ्यूज होता है तो इतने अलकाब व आदाब के साथ के हम रिग्रेट करते हैं। हमारा बहुत ही जबरदस्त मिसाल है। आपको अगर वहाँ नौकरी से भी निकालते हैं तो कहते हैं यू आर वेरी कैपेबल पर्सन बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर कैपेबिलिटी, देयरफॉर इट इज रिग्रेटेड। लगता है आपकी तारीफ कर रहा है। बिल्कुल, यानी इतने प्यार से मखमल में लपेट कर आपको जूता, इससे आपको
ये एक चीज रह जाती है, वही पेपर आप जब घर में दिखा रहे होते हैं, मतलब नॉर्मली घर में से कोई भी है, बड़ा भाई है और तो जो बेगमात बहुत बोलने वाली, क्या तुम्हारी गलती है? हाँ। तो फिर वो उस पे वहाँ वो पेपर दिखाए जाते हैं, मेरी गलती नहीं है, उनके पास जगह नहीं है या वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सौ तरह की चीजें। अच्छा, ये इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची और आपको अपने आप में एतमाद आपका रहता है। इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगली दफा आप किसी पे गरजने बरसने वाले हैं, उससे पहले सोचिए कि क्या आप ये चीज ऑफिस में करते हैं, अगर ऑफिस में नहीं तो क्या आप अपने इन लॉज के सामने, जिससे भी आपको डर है, भाई पास पड़ोस के लोग हो गए, किसी पे अच्छा इंप्रेशन बनाना है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, आपने जिसको भी ये दिखाना है कि मैं कितना शाइस्ता इंसान हूँ, वैसा ही रवैया प्लीज उनके साथ भी रखिए जो आपके घर के करीब होते हैं, आपके साथ दिन रात का उनसे ताल्लुक होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे जरा बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा कैसी हैं? यहाँ बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं दोनों खवातीन को और तमाम मेहमानों को सलाम करना चाहता हूँ, और मैं मिसेस खान के लिए कहूंगा कि मैं उनकी जो उनके व्यू है उसको फुल सपोर्ट करता हूँ। ऑल्सो आई मैं हमेशा, आपको पता है कि वुमेन्स राइट का हमेशा हामी रहा हूँ, लेकिन देखिए सीधा आप खुद भी माशाल्लाह मतलब मॉडर्न भी है, मॉडरेट भी है, आप खुद भी कभी आपने मिसगाइड लोगों को नहीं किया, आपने खवातीन को बताया कि आप अपनी ठीक आजादी की बात करें, अपने राइट्स, आप तो थिंकिंग जरूर करें, लेकिन यू हैव सम बाउंड्रीज को आप, हमारे रूल डिफाइन किए हैं कि क्या मर्द का रोल है, क्या औरत का रोल है, तो ये जरूरी हमें बात समझना, ना कि एक बागियाना रवैया अख्तियार कर। ऑन अ लाइटर नोट, मैं देख रही हूँ कि सब मर्द हजरात की फेवरेट हो गई है मिसेस खान, ऐसा लगता है कि उनका केस प्लीड किया है मिसेस खान ने, है भाई। ये बात बिल्कुल सही करी है, लेकिन देखिए मैं बायस नहीं हूँ, आप ये बात समझ दें कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम किस माशरे में रहने, किस सत्ता हमारी अकदार क्या है, हमें उसको पामाल नहीं करना चाहिए। अब अगर बेस्ट की आप बात करती हैं, जिन्होंने जो माई बॉडी माई रूल्स वाला उसूल अपनाया, उनकी आप खवातीन की बेहरमती है, उनकी तबाही देख लें आप। लेकिन अच्छा देखिए, गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाएगी या, लेकिन मुझे ये बताएं कि अपने लिए सारे वो रूल्स चाहिए जो मिसेस खान कह रही हैं, जो अम्मी कह रही हैं, और यानी खवातीन पे, घर की जो खातून है उस पर ये लागू, और अपने लिए सारी आजादी भी चाहिए। मैं तो टोटली इस बात का खुला तजाद, अगर आप मेरी बीवी से कुछ बात करेंगे तो आपका अंदाजा हो जाएगा किसी दिन अगर आप मौका दें हमें प्रोग्राम बुलाने का। लेकिन देखिए मैं तो थ्रू आउट बहुत सारी होस्ट मुझे जानती है, मैं आई ऑलवेज रेस्पेक्ट, मैं अच्छा यार एक बात बताएं, क्योंकि आज के टॉपिक पे आते हैं, अभी आपने भाभी का भी जिक्र किया, अगर भाभी कभी गुस्से में हो तो आप चुप हो जाते हैं या आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सामने रखते हैं? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज ये बात सीख ली है कि आपने वो मुहावरे वाला प्रोग्राम किया था ना, हाँ जी, तो चुप सौ सुख, तो मैंने आज ये रियलाइज कर लिया मैंने जो गलतियां की है। मैं समझता हूँ कि कब चुप रहना, बाज़ों का ओवर रिएक्ट ना करना आपके लिए बहुत बेहतर साबित होता है, कई झगड़ों से फसाद से बच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने गलती की है तो आज मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ उसको, और सीधा ये टोटली एग्री, एक चुप थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। और जिस तरह कहते हैं, एक बड़ी जबरदस्त सेइंग है दैट आई वांट टू शेयर ओवर हियर, कि अगर जिस बात पे भी आपको गुस्सा आ रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर इन 5 years फ्रॉम नाउ, देन डोंट स्पेंड इवन मोर देन 5 minutes ऑन इट। यानी आज झगड़ा हो गया इस बात पे कि तुमने इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तुम फोन पे लगे हुए हो, या तुमने मेरी कमीज पहन ली, जो बहनों में लड़ाई हो जाती है, अगर 5 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आज उस पर झगड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन डॉक्टर इकबाल आप क्या कहेंगे कि ये बातें हम जब बात में कर रहे होते हैं तो बड़ी हम सारे मुदब्बिराना राय के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जब उस वक्त गुस्से में होते हैं ना, ये बातें याद नहीं रहती, उस वक्त क्या करें? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाह रहा था कि वो अगर पहले तोलें फिर बोलें, एक खास तौर में अप्लाई करना चाहता हूँ कि जब आप SMS कर रहे हैं उल्टी सीधे, उसको 2-3 बार देख तो लें कि उसके बाद फिर वापस नहीं आएगा। अरे 2-3 दफा क्या, हम तो 15 दफा देखते हैं, आपने व्हाट्सएप पे नहीं देखा, टाइपिंग 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 फिर कुछ नहीं आया, टाइपिंग 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 कुछ नहीं आया, वो हम लिख के डिलीट तो कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब ऐसे मौके होते हैं तो देखें दोनों इंतहा ठीक नहीं है, हम तो उसकी साइकोमोटर जो एक्टिविटी देखते हैं कि उसके जेस्टर कैसे हैं, हाथ के, गुफ्तगू के, चेहरा, बैठने का स्टाइल, तेजी, ये सारा हम देखते हैं। तो उस वक्त में हम ये कहते हैं कि ये भी नहीं है कि आप हमेशा ही खामोश रहें, इसलिए कि बार बार हर जगह खामोश रहना भी ठीक नहीं है, आगे चलकर वो जमा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर इकबाल, एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, मैं वापस आऊंगी, बात करूंगी, आपने मोटर स्केल साइकोसोमैटिक उसके जो इम्पैक्ट उस पर बात की। जब हम शदीद गुस्से की हालत में हैं और अगर हम खामोश हो जाएं, उस गुस्से को अपना चैनल आउट ना करें, तो उसके बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं और ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म पर क्या असरात पड़ते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अगर गुस्से की हालत में चुप रहा जाए तो फिर उसके आपकी बॉडी पे, आपकी फिजिकल वेलबींग पे क्या असरात होते हैं, क्योंकि गुस्सा लाइक ऑल अदर इमोशंस आपके अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है और इसकी वजह से हम अक्सर अपने आप से खफा होने लगते हैं कि भाई मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। लेकिन जब गुस्से की कैफियत में हों तो खामोशी से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और अगर आपने उस गुस्से को और मज़ीद हवा दी या उसको पेंट आउट करने के लिए कुछ बोले तो उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होता है, दोनों सिचुएशंस बताइए डॉक्टर। हाँ, इससे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पहले तो ये देखा गया कि ज़्यादा मसाइल इससे नहीं हुए हैं कि बिगड़े हुए लोगों ने बात की, बल्कि शरीफ लोगों के खामोश रहने से भी मसले बढ़ते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम ठीक नहीं है। ये देखा गया है कि अगर आप अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार जुबान से नहीं करते फिर जिस्म में कन्वर्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हरी वरी एंड करी लीड टू एब्डोमिनल प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, इसी तरह से जब हमारे यहाँ अपने यानी अपनी राइट्स के लिए आप शायस्तगी से बात ना करें, बार बार खामोश रहते हैं तो फिर दूसरे जिस्म के अज़ा को रुला देती है, जैसे अल्सर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या इवन स्किन में जो आप है देखें कि लव्स जो अंग्रेजी का है डिसीज, ये जो आप कहते हैं ना कि बीमारी डिजीज, इट्स बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करें तो डिसईज, जब आप ईज में नहीं है तो आपकी कहीं ना कोई उसका एक रद्द बदल। खवातीन में खासतौर पर हमारे यहाँ, मैं जिना हॉस्पिटल में होता हूँ तो वहाँ पे ज्यादातर जो कन्वर्जन जिसको हम स्टीरिया पुराना नाम था या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है उस शक्ल में आते हैं, जब वो अपने मुंह से इजहार नहीं करती तो जिस्म से इजहार करती हैं वो, तो लिहाजा हमें चाहिए कि दरमियाना रवैया रखें, उनकी सेहत पे उसका एक असर होता है जो वहाँ पे बात हो रही थी। एक कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर इकबाल, उनसे बात करके मैं मिसेस खान आपके पास आना चाहूँगी कि अक्सर जब आप खामोश हो जाते हैं तो या तो खामोशी ये है कि आप बिल्कुल शांत सुकून चैन में आ जाएं, लेकिन जो जहन में अगर मुकालमा जारी है तो वो खामोशी नहीं है, उस पर फिर बात करेंगे जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं करीमा इमरान बात कर रही हूँ, लाहौर बहरिया टाउन। क्या हाल चाल, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, थैंक यू। और खामोशी के ऊपर आप बात कर रही हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि खामोश रहना मसलहतन तो बहुत अच्छी बात है, जैसे वालदैन के सामने अगर वो डांट रहे हैं तो हम खामोश हैं, अगर सास ससुर डांट रहे हैं तो खामोश हैं, मगर बाज़ औक़ात ये खामोशी जो है जानलेवा भी साबित हो जाती है। बिल्कुल सही। अगर बात अपनी जरूर कन्वे करनी चाहिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मगर टाइम के साथ, क्योंकि हम इतना ज्यादा, शायद हम 20 साल पुराने थे तो हमें सुनने की इतनी आदत थी, हमारे घर से ऐसी तरबियत थी कि आगे से जवाब नहीं देना है। मुझे बताएं कि मसलहतन खामोश है, ये जो लंबी खामोशी, इसका आपने पर्सनली कोई नुकसान उठाया? बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, खैर मैंने अपनी सेहत पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने पढ़ाना है और मैंने बहुत माशाल्लाह 8 साल एक्स पढ़ाया, तालीम दी बच्चों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मगर खैर उसके बाद वो एक चीज के जॉब छोड़ दो जॉब छोड़ दो जॉब छोड़ दो, खैर जॉब छोड़ भी दी, मगर वो जो घरेलू क्राइसिस होते हैं ना वो आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, और इवन मैं बहुत ज्यादा बीमार रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मगर मेरे वालिद की तरबियत थी, अल्लाह से बहुत लौ लगा दिया, शायद मैं समझती हूँ कि वो खामोश रहना, वो इज्जत देना, मुझे आज उसका फल मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया मिसेस खान, यहाँ पे वो मसाइल आते हैं, जैसे आपने पहले भी गुफ्तगू की ना तो लोगों की शायद आपसे नाराज़गी यही थी कि इसी तरह की सिचुएशंस या बैकग्राउंड से जो ख़वातीन थी वो ज़्यादा नाराज़ होती थी जिन्होंने आपकी बात मानी है, या वो यंगस्टर लड़कियाँ जिन्होंने देखा कि जी अम्मी हमेशा खामोश रहती थी, लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड 30 ईयर्स अम्मी बीमारियों का गढ़ बन गई हैं। अब आप ये जो तवाज़ुन है कि अपने दिल की बात भी कहें लेकिन दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली भी ट्रीट करें, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप ख़ुद लोगों को एडवाइस दें। देखें, अब 30 साल बाद उनकी अम्मी बीमार हो गई, 30 साल बाद व्हाट डू यू थिंक कि इंसान की उस वही एनर्जी रहती है? नहीं, उसमें बीमारियां आ जाती हैं 30 साल बाद, मतलब 30 ईयर्स बाद, एंड नाउ शी इज 60, व्हाट डू यू थिंक, आई एम 67 जी, आई एम 67, लेकिन वो अपने तो लिए जिंदगी, बीमारियां हैं ना। आप देखें, एक तो नेचुरल ट्रांजिशन होता है, मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ कि जब आपने लड़कियों को जब मशवरा दिया कि भाई तुम चुप रहो, सिर्फ रिस्पेक्टफुली कहो, आगे से कुछ बात मत करो, लेकिन यहाँ बात कुछ बात नहीं करो, कन्वे तो करो ना, व्हाट एवर इज देयर इन योर माइंड रिस्पेक्टफुली करो, हाँ आप उसको क्यों नहीं करें, हम इतने ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, इतने इलिटरेट तो नहीं है, इसी में तो नाराज हुए लोगों ने, समझा कि आपने उनको बड़ी ऑर्थोडॉक्स एडवाइस दे दी। देखिए नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा
سمجھنے میں بھی غلطی ہوئی ہے. اب آپ کو میرے پہننے اوڑھنے سے یا میری گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم سو آرتھوڈاکس، یا آئی آسک ویمن ناٹ ٹو گو فار ہائر اسٹڈیز، آئی آسک ویمن کہ آپ کام نہ کریں، آپ فیشن نہ کریں، آپ پہنے اوڑھے نہ. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی ماں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ لیگیسی، وہ چیز جو ہے ہم بھی وہی چیز کیری کر رہے ہیں. ہمارا شوہر بھی آتا ہے تو ہم اس کو گرم روٹی دیتے ہیں، اگر آپ نہیں دے سکتی آپ پیزے منگا کے روز دیں، ڈفرینٹ قسم کے، بس خیال کر لیں آپ، برگرز آپ 10 قسم کے دن میں لائیں، رات کو پیزے لائیں، یا پھر چائنیز، یا دیر سو مینی ادر تھنگس. آپ 4-5 دن یہ روزانہ کر کے دیکھیں اور کہنا اپنے ہسبینڈ، آج میں نے یہ پیزا منگایا، اوہ سوری آج میں تو برگرز منگا دیے، اوہ سوری آج ڈائن کروں گی دیر ان چائنیز، سوری آج آئی ہیو ناٹ کوکڈ اینیتھنگ. آپ ایسا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اپنے میاں کا موڈ. وہ ہوگا یہ کہ وہ مہینے کی تنخواہ جو ہے 10 تاریخ کو ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد 20 دن آپ کو گھر میں ہی دال چاول بنانے پڑیں گے. دس از واٹ واز مائی، دس از واٹ آئی مینٹ. اچھا روٹی سے تو آپ کبھی تنگ نہیں آئیں گے، آپ ویریشنز کریں اپنے سالن میں، کھانے میں، اور آپ کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک اگین. سلمہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن آئی ڈو وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دس کہ خواتین جو یہ فیل کرتی ہیں کہ بھائی خاموشی کا جو اجر ہے وہ 20 سال بعد ملا، لیکن جو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی وہ اپنی صحت تھی، اپنی ویل بینگ تھی، خوش رہنا بھول گئے، زندگی کو انجوائے کرنا بھول گئے، یہ بہت بڑی قیمت ہے. یہ چیز مجھے آج تک نہیں سمجھ میں، یہ میرا اپنا بھی کوشچن ہے، جیسے میری لائف آپ کے سامنے ہے، جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہے، ان کے سانس سے بات کرنے کے انداز سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک لڑکی جو آتی ہے خوشیوں کے ساتھ سب کچھ، اور اگر آگے سے ہسبینڈ اس طرح نہیں ریئیکٹ کرتا، اتنا رسپانس نہیں کرتا، تو ان کی مائیں دعا دیتی ہیں، اللہ میاں تمہارے بچوں کو خوشیاں دکھائے، تو تمہاری جتنی پرابلمز تھی نا ان کا تم جو تم نے سیکریفائس کیا تو تمہیں اجر مل. وہ اجر ایک ماں کو مل رہا ہوتا ہے، اس لڑکی کو نہیں مل رہا ہوتا جس نے اپنی خوشیاں بالکل ختم کر دی ہوتی ہیں، بالکل ایک ڈیڈ زندگی گزاری ہوتی ہے. تو یوں آپ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. لیکن جس چیز پہ، جس جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آپ نے کوشچن ابھی کیا تھا، آپ ایک بچے کو دیکھ لیجیے، آپ کو یہیں پہ آنسر مل جائے گا. آپ کے پاس ایک بچہ ہو 3-4 سال کا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن آپ اسے بہت ڈانٹ کر نہیں سمجھا رہے ہوتے، بہت پیار سے سمجھاتے، کنوے کرتے، اسے بتاتے ہیں اس کے طریقے. لیکن جہاں وہ غلط آپ کی بات کرنے کو، آپ کے پیار کو یوز کرنا شروع کرتے، تو آپ ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، ریئیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی زندگی ہے، آپ بہت پیار سے اپنے گھر کے ماحول کو نہ خراب کرتے ہوئے چیزیں برداشت کرتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں. خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا، ویلڈ تھا، اور آپ کو دکھتا ہے وہ جو اگلا بات کر رہا ہے وہ غلط ہے، آپ فی الحال چپ کر گئے ہیں، لیکن آپ پیار سے طریقے سے وہ بات اپنی دوبارہ سے کریں گے. بالکل یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کرتے، لیٹس سپوز آپ نہیں کرتے، تو آپ کی کنڈیشن یہ ہو جاتی، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے یہ بتانا ہو کہ اس گلاس میں جوس ہے، پانی نہیں ہے، اگلا کہہ رہے نہیں پانی ہے، فی الحال آپ چپ کر جائیں گے، گلاس ہاتھ میں پکڑائیں گے، وہ چکھ لیں. تھوڑی دیر بعد جب موڈ نارمل ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں وہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ ایکچولی بات یہ تھی، میں کوئی بدتمیزی نہیں کری تھی، وہ جوس تھا. ریئلائز کر لے گا کہ یار یہ اس نے میرا ادب رکھا، لحاظ رکھا. لیکن اگر اب آپ چپ کر کے بیٹھے جوس تھا، پی بھی لیا، پانی سے مجھے پانی بولتے ہیں دن کو، رات کو، اب وہ کیا آپ کے اندر ایک جان، اور آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں سب سے پہلے. اور یہ میرے خیال میں ڈاکٹر اقبال بھی اس کی تائید میں سر ہلا رہے ہیں کہ اکثر آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہوں گے. جی ہاں، دراصل اینی ایکسٹریم از ناٹ گڈ. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اور جانوروں میں زبان کا بھی ایک فرق، باقی فرق تو ہے ہی، اظہار کا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اظہار کا، لیکن شائستگی سے کریں اور دیکھیں موقع کی مناسبت سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ایک جھگڑا چل رہا ہے اس میں خاموش رہنا، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والا آپ کی نقطۂ نگاہ نہیں سمجھ رہا ہے. اچھا اس میں ایک بہت اہم چیز جو میں لوگوں کو کہنا چاہوں گی، جو میں نے بہت عرصے کے بعد سیکھی پروفیشنل لائف سے بھی ادروائز بھی، اپنی بات پہ قائم رہنا. یعنی آپ یہ بھی نوٹس کیجئے کہ اپنے ذہن کے اندر یہ بنائیے کہ جس چیز پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، جو چیز پہ آپ نے ایک سٹینڈ لینا ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس سے ادھر ادھر نہ بھٹکیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ساری دنیا کی چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. دل تو ہے نا. ہاں دل، میں کل پرسوں کسی سے یہ بات کہہ رہی تھی، میں کہا ہاں میں اگنور کر دیتی ہوں چیزوں کو، پہلے لوگوں کو لگتا تھا شاید مجھے تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن میں نے بھی بعد میں یہ بات ریئلائز کی کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آٹے کی آپ نے کوئی چیز بنائی ہے مٹی سے، اور اب وہ سوکھنے پہ ہے، لیکن وہ ہلکی سی نم ہے، اب آپ اس پہ انگوٹھے کے نشان ڈالتے چلے جائیں، وہ دب پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے نشان آئیں گے، اس پریشر کے نشان آئیں گے، ایسے آپ کے دل پہ وہ نشان رہ جاتا ہے. اینڈ دین اگر اسی مثال کو آگے لے کے جائے، جب وہ سوکھ جاتا ہے نا اور تب پریشر آتا ہے، تو پھر وہ کریک کر جاتا ہے، پھر وہ اونچا
आपको आवाज भी आती है और उसकी गनगरज भी सुनाई देती है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राशिद मलिक बोल रहा हूँ। क्या हाल है राशिद आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एक आपका टॉपिक है माशाल्लाह खामोश रहने का और आज कॉलर भी ज्यादा है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक फिलोसफर ने बड़ी अच्छी बात की कि यू हैव टू इयर्स एंड वन माउथ, सो लिसन मोर एंड लेस स्पीक। एब्सोल्युटली, एट लीस्ट ट्वाइस एट मोर। और दूसरी बात एक और भी एहसास था जी कि एक किसी ने कहा कि तुम बोलो ताकि तुम्हें मैं देख सकूं। तो इन दोनों चीजों को अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इंसान को बोलना चाहिए, लेकिन वेन नीडेड, ये जरूरत के तहत। खामोशी एक ताकत भी है। झगड़ा कभी वन वे नहीं हुआ, टू वे होता है। आपको खामोशी के तहत जब आप बिलीव करते हैं तो फिर इंसान, लेकिन तब ये होता है जब आप राइट अपने आप को समझें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा राशिद साहब, यहाँ पे जितनी गुफ्तगु हुई है और खास तौर पे जो खामोश रहने की बात की जा रही है, लोग ये समझते हैं ये मशवरा हम खवातीन को दे रहे हैं। आपको लगता है कि मर्द हजरात भी मसलहतन आज के जमाने में खास तौर पे पर्सनल लाइफ में खामोश हो जाते हैं? नहीं होते, होना चाहिए, ये पहले से बढ़ गया है। हाँ, लेकिन दोनों तरफ अगर बोलते रहे तो फिर कभी भी मामला रिजॉल्व नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट। और इसी बात को हम अपने पैनल के सामने लेके आते हैं, मिसेस खान एंड डॉक्टर इकबाल। जी, बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ज्यादा बोलना और बेतरतीब बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी जो है दिमाग की बेहतरी के लिए और इसके साथ साथ इलाज का तरीका भी है, मेडिटेशन जिसको कहते हैं कि आप खामोश रहें। तो मर्द हजरात, मर्द हजरात सबके लिए बोलते हैं ज्यादा या खामोश वो भी होना आप जानते नहीं, होना चाहिए उनको, अगर उनको चाहिए कि चाहिए तो सबको। अब मुझे बताएं, आपकी जितनी प्रैक्टिस रही है, ऑब्जर्वेशन है, आपको लगता है कि मर्द हजरात भी मसलहतन खामोश होते हैं फैमिली घरेलू मामला जो अच्छे समझदार और वो देखते हैं स्ट्रेटेजी? हम तो उनको सिखाते हैं एंगर मैनेजमेंट का तरीका ना, वो एक थेरेपी है कि आप खामोश अगर रह रहे हैं तो वो खामोशी की आपकी फतह है। और वो उसके लिए क्या है कि उसका नुकसान आपके जिस्म पे भी नहीं हो रहा है, अगले पे भी नहीं हो रहा, ताल्लुकात भी खराब नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे एक बड़े इम्पोर्टेंट एंगल पे आना है। और अभी तक बात हो रही है कि जी मसलहतन आप खामोश रहें, लेकिन अगर आप साजिशन खामोश रहें तो क्या होगा? वो जो पीछे वो कमोले का जैसा म्यूजिक आना चाहिए, अब मीसनी आपने शुरू में कहा था मिसेस खान, ये कौन होती है? अब आप ये देखें, अब दिस इज व्हाट माय डॉटर सेज, अम्मी आप अपनी ना लैब है ना कोई बात ऐसी कर जाती कि जो लोग पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तो आई वांटेड टू कम टू दिस वर्ल्ड। नहीं नहीं, हम देखें, हम पुराने लोग हैं तो वो अब सोफिस्टिकेशन तो अभी भी नहीं है और लड़कियों की जुबान में, सॉरी टू से, वो यार यार करके बात करते हैं। और मुझे याद है कि एक दफा मैंने अपनी फ्रेंड को यार कह दिया था तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी घर में। मुझे भी पड़ी थी, मुझे अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं था ये क्या होता है यार। तो इसमें मुझे, लेकिन अब लड़कियां तो यार ही बोलती हैं कॉलेज स्कूल्स में, आई सीन, अब तो ये यार एक कॉमन सा वर्ड है, हो गई ये बात। ठीक है, बहरहाल व्हाट वर यू आस्किंग मी, मैं ये कह रही थी कि एक मीम आजकल बहुत चल रहा है मिसेस खान, जिसमें कहा जाता है खामोशी की जो जुबान है उसको पंजाबी में मीसनी कहते हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? अच्छा, वो ये होता है कि हम तो इरप्ट कर लेते हैं, हम तो उस वक्त जो टॉपिक होता है उस पर तक 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 बोल कर और वो खामोश हो जाते हैं, एंड देयर इज नथिंग इन आवर हार्ट, वी हैव सेड व्हाटएवर वी फेल्ट एंड देन वी आर नॉर्मल, देन वी आर suddenly we are normal because we have already erupted, aapne dil ka ghubar nikal, we have already erupted whatever was there. ab ye hota hai ki baaz aurte sun rahi hoti hain and wo grasp kar rahi hoti hain aur wo usko kuch nahi keh pa rahi hoti hain, lekin wo later on aapke piche vaar kar leti hain, aapke piche dusri friends ko aapke piche bhadka deti hain aur aapko kahengi ha shanali, ye jo ek zara mukhtalif personality type hoti hai Salma, isko aap kaise dekhti hain, ye aapke क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस फिनोमेना? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें, मैंने अभी आपसे कहा कि खामोश हो जाना मसलहतन, आप उस टाइम खामोश हुए कि अगले का गुस्सा बैठ जाए या वो किसी और टेंशन में, थोड़ी देर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आपसे बताएंगे यार मैं ये बात कह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। ये आ गया हस्बैंड एंड वाइफ का। लेकिन अगर आपकी देवरानी जिठानी है तो आप अगले दिन आराम से भाभी यार ये चीजें बात नहीं, मैं वेंचफुल होने की बात कि जब आप ये नोट, ये चीजें आप क्लियर नहीं करते हैं या आपको उस वक्त समझ में नहीं आती और आप ये ग्रज पाल लेते हैं कि मुझे ये बोल दिया था कि ये दिन है इस टाइम और एक्चुअली रात थी या शरबत नहीं पड़ा हुआ पानी था, और आप वो ग्रज रख लेते हैं और वो दिल के अंदर जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो आप पे वार जरूर करेंगे या फिर ये वो ग्रज पालेंगे। एक तरफ ये आपकी बीमारी शुरू हो जाएगी अगर आप नेगेटिव पर्सन हैं,
آپ کو اپنا آپ کہیں منوانا ہے, آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ پھر اس کے بعد یہ انتظار کرتے ہیں کہ کہیں مار گئے. اور ایسے لوگ آپ کی لائف کے آپ ہیں اور آپ نے ایک طرح سے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, وہ آپ کی لائف شکست نہیں قبول کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی آج تیری تو پھر کل میری, کل میری باری آئے گی ضرور. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور یہ چیزیں ایسا نہیں کہ آپ ان لوگوں کو پہچان نہیں سکتے, وائبس آتی ہیں لوگوں سے, ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے, ان کی سنسیئرٹیز دکھتی ہیں. آپ ایک ہی خاندان کے اندر رہتے ہوتے ہیں, تین تین چار چار بھابیاں درانیاں جٹھانیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ آپ کی کسی ایک سے بہت بن رہی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ آپ نے کوئی پارٹی بازی ہوتی, آپ کو اس سے ایک اچھی وائب آ رہی ہوتی ہے, وہ آپ کو اپنے لیے سنسیئر لگ رہی ہوتی ہے. تھوڑے عرصے بعد آپ کی ان سے لڑائی ہو جاتی ہے, میری ہر بات پہ خاموش ہو جاتی تھی, انہوں نے میرے پیٹھ پیچھے وار کیا یا میری طرف سے ساس کو بھڑکایا, تو اس طرح کی یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن آپ کو ہر چیز میں تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ بھی. اور دیکھنا ایک چیز آپ سے کہوں گی جو آپ کے ٹاپک کے اوپر ہے, کوئی بھی ریلیشن ہے کسی بھی, اگر آپ چاہتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہو, بہت دیر تک چلے, دیر پا چلے, تو ایک ٹیبل, ہم جب ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے تو ہمیں ایک ایکسرسائز کروائی جاتی تھی, وال کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور بال کے ساتھ پنگ پونگ ہم کھیلتے تھے. اکثر یہ میں اپنی فرسٹ ایئر کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب مجھے اکثر بال ملتی تھی تو میں جب کھیلتی تھی تو آٹومیٹکلی آپ تیز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں آپ کو چڑچڑاہٹ بھی چڑھتی ہے. تو میرے کوچ پیچھے سے کہتے تھے جو تم دے رہی ہو وہ تم پا رہی ہو, جتنی زور سے تم سمیش کر رہی ہو اتنی زور سے وہ پلٹ کر آ رہا ہے, تم آرام سے پیار سے کھیلنا شروع کرو تو وہ بھی پیار سے ہی رپلائی کرے گا. مطلب وہ اتنا زیادہ خوب کہ ابھی وہ مجھے آپ کے بات کرنے پہ ایک دم یاد آئی کہ میں کہا واقعی وہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی. جب ہم اسموتھلی ہم کہتے ہیں نا کہ کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے آپ کی تھرو اسپورٹس, یہ کتنی اچھی زبردست اسپورٹس ایکسرسائز ہے کہ آپ جتنی زور سے اگر آپ سامنے اگر دیوار بھی ہے آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بے جان ہے ان اینیمیٹ ہے, لیکن جب آپ اس کے اوپر جتنی زور سے کوئی چیز پھینکیں گے اس کی طرف اچھالیں گے وہ اتنی ہی فورس آپ کے پاس آئے گی. ایبسولوٹلی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے؟ جی میں ابو طالب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی خاموشی کے حوالے سے بیسیکلی بس ایک حدیث کوٹ کروں گا رسول پاک کی, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کم بولنے والا, کم کھانے والا اور کم سونے والا بندہ بنے. جیسے آپ کم بولیں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا, آپ ہمیشہ بولتے رہیں گے تو آپ کی بات بے معنی رہے گی, لوگ آپ کو بے وقت سمجھیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. ہاں جی بہت شکریہ کال کرنے کا اور یہ کہنے کا کہ کم بولنے سے آپ کی واقعی وقت اور آپ کی قدر زیادہ بڑھتی ہے. لیکن ڈاکٹر اقبال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اکثر مرد حضرات اس پہ بات کرتے ہیں, ایک بریک بھی مجھے لینا پڑ رہا ہے, سوال کیے جاتی ہوں پھر بھی, کہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں اگر آئیں اور بہت زیادہ خاموشی ہو تو یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی بھی ہوتی ہے, اس پہ بھی ذرا بات کرنی ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. خاموشی آپ کو 100 پرابلم سے نکال سکتی ہے جب آپ اس کو مصلحتاً اور اچھی نیت کے ساتھ کریں, لیکن طوفان سے پہلے والی خاموشی یعنی جو پیسو اگریسو لوگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ آپ سے لڑائی کرنے کے بجائے, مقابلہ کرنے کے بجائے, آپ کی بات کو ایڈریس کرنے کے بجائے آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پیسو اگریسو طریقہ, یہ خاموشی دوسرے کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کو ایموشنل ابیوز میں بھی مانا جاتا ہے. ڈاکٹر اقبال کس طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو پیسو اگریسو ہوتی ہیں, جو اس خاموشی کو دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا یہ پیسو اگریسو والے یہی کرتے ہیں, اور یہ بڑا تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کس سے بات کریں وہ آپ کی یا سنے نہیں یا رسپونڈ نہ کرے. یعنی انسان کو تو یہ اس طرح سے کہ آپ ایک بیٹھ کر رہے ہیں, سامنے والا بیٹھ کے جواب نہیں دے رہا تو گیم ختم ہو گیا. تو لہٰذا انسان کو رسپانس چاہیے, لیکن شائستہ رسپانس ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ دوسرے کی بات کو یا اس کے آرگیومنٹ کو بالکل ڈسمس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا, کہ میں اس کو اتنی بھی ویلیو نہیں دیتا کہ میں اس کی جواب دوں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے وہ پیسیونیس تو رہتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بیوی اس کو کھانا دے رہی ہے یا کچھ انٹرٹین کر رہی ہے اس کے ساتھ کچھ کلام کرنے کی, وہ بالکل بالکل اس کو ڈی لفٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھا رہا ہوتا اور چہرے کے تاثرات بھی بالکل. اور وہ عورت ہارڈ ورکنگ اگر ہو زیادہ, تو جب وہ کام کر کے آئے گی یا کچھ تھکی ہاری آئے گی وہ اس وقت بھی کام کرتی ہے گھر کا اور سارا کچھ مینج کرتی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے, یہاں آدمیوں کی میں برائی کروں گی, اب سب سن لیں, اس کو یہ کہا جائے گا تو کس سے مل کے آ رہی ہے,
है, किसके साथ डेट करने गई थी, ये मुझे रोजाना लोग मुझे फोन पे बताते हैं, बिकॉज मेरा इंटरेक्शन तो इतना होता है लोगों से। लेकिन इसका उलट भी तो है, हम काम करके आते हैं, थक के आते हैं, हमारा शौहर हमें ये कहता है किससे मिलके आ रही है तू, जबकि उसको पता होता है ये मेरे टाइमिंग से जाने के, ये मेरे टाइमिंग से आने के, उसके बावजूद हमारा शौहर हमें। अच्छा, ये तो वैसे वाकई बड़ी तकलीफ दे बात है, बिकॉज इसमें बहुत सारे और पहलू भी हैं, इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन भी आ जाती है, मगर कमिंग बैक यही चीज खवातीन भी करती है, यानी मर्द हजरात की भी सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि भाई लड़ाई तुम्हारी सास से हुई है, साइलेंट ट्रीटमेंट या मुंह बना के तुम मुझे दिखा रही हो, मुझसे बात नहीं कर। ये जो एहतजाज का खामोश एहतजाज तरीका है, ये आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होते हैं आपकी पर्सनालिटी पे भी और फैमिली लाइफ की अपनी पर्सनालिटी? आप अगर आप खुद ये इसको सोच समझ के कर रहे हैं तो ऑब्वियस आप काम हैं, आप सुकून में हैं और आप देख रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए, इसका हमेशा कभी ये जरूरी नहीं कि वो जी सारी बातें समझ लेंगे और इस बात का रियलाइज करेंगे कि मुझे तकलीफ पहुंची है या मैं सही बात कर, बाज़ूकात बहुत उलट भी आपको नतीजे मिलते हैं, बहुत उलट। उसमें ये होगा कि अगर आदमी और औरत की बात हो रही है तो अगर मेल है तो वो फिर आपको बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर देंगे, घर से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, देन व्हाट। और अगर उन्होंने ये बात दिल में पाल रही, क्योंकि इस किसी की गहरी खामोशी जो है ना, वो मेरी वालदा कहती थी चुप द हथियार इस्तेमाल करो, खामोश रहो, लेकिन ये है कि अगर आप वो खामोशी बहुत देर तक रखें तो अगले को जो तकलीफ दे रहे हैं तो आप उसको तोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। और अगर आप ये तकलीफ, एक और चीज बताऊं, ये खामोशी इस तरह भी की जाती है, बड़े प्यार से पानी शानी रखते हुए, चाय रखते हुए कहा जाता है मैं घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती। अच्छा, कोई बात ऐसी है जो हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाकई आप अक्सर देखें कि आप ना सिर्फ अपने जज्बात से डिनायल में हैं और आप एक अदाकारी कर रहे हैं, उस वक्त आप एक्टिंग कर रहे हैं खुश होने के भी, मुस्कुराहट लाने के भी, जब आपके दिल से नहीं मुस्कुरा रहे, एंड पीपल कैन सी थ्रू दैट फेकनेस। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं पिंडी से सलाम बोल रही हूँ। मैंने बताना था आपके मौजू के बारे में जी। मैंने कहना कि कहते कि खामोशी जो है एक चुप सौ सुख, मगर हमारे तो यहाँ बच्चे हमारी ज्यादा चुप रहने वाली थी, जिसकी वजह से उनको मतलब के रिश्ता टूट गया। सही। तो की कौन सी बात कर रहे हैं आजकल? आजकल तो अजीब ही जा रहा है। तो अच्छा, आप क्या कहती हैं, जो आपने कहा कि चुप रहने की वजह से ये हुआ तो पानी सर से ऊंचा हो गया, यानी बहुत सारी ज्यादती उन्होंने बर्दाश्त की, क्या आज आप अपनी बच्ची को सलाह देंगी कि वो कुछ बातों में एटलीस्ट अपनी बात को जरूर सामने रखे और उसको यू नो वर्बलाइज करे, बोले उनको? चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सलमा, कुछ और कहूंगी, जैसे हम माएँ अपनी बच्चियों को समझाते हैं और हम देखा देखी में भी देखते हैं, अच्छा जी फलां का शौहर बहुत ज्यादा गुस्से में, तुम समझाते हैं खामोश, लेकिन हमें बच्चियों को चंद चीजें ये बात जरूर अवेयर करवानी चाहिए कि वहाँ उस हद तक खामोश रहें जिस हद तक बर्दाश्त करने के काबिल चीज है। बाज़ों का चीजें अब्यूसिव हस्बैंड होते हैं, नहीं बताती हैं बच्चियां, देन व्हाट, वो खामोश रहती है। माँ ने कहा था जी खामोश रहना, बाहर की घर की बात, कमरे की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बात बाहर नहीं, बहुत सारी चीजें। इसलिए कहते हैं ना शरई चीज या आपके हक की चीज, उन चीजों को आप डिनायल में मत लेके जाए, उनके लिए खामोश। बिल्कुल। और कई दफा हम ये कहते हैं ना कि अभी हमने थोड़ी हंसी मजाक में ये बात की थी कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी वाकई कंस्पायरिंग होती है या वेंचफुल होती है, कि उनको गुस्सा चढ़ा तो फिर वो उस वक्त तो खामोश है लेकिन आपके पीछे कुछ कंस्पायर कर रहे हैं। कई दफा जो मसलहतन खामोशी है वो आप ऐसे भी देखें कि कोई ड्रामा आ रहा है और उसके अंदर वो लड़की की लड़ाई हो रही है, वो कह रही है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इंतकाम लूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, और आप अगर इन्वॉल्व हुए हैं इमोशनली उस कैरेक्टर के साथ तो आप वहीं अपने सोफे से ही बैठ के उसको एडवाइस कर रहे हो तो मत बोलो, ये सारे काम तुम खामोशी से कर सकती हो, क्या जरूरत है अपने कार्ड शो करने की? डॉक्टर इकबाल क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मैं इसका पहलू बताना चाहता हूँ। जो पहली बात ये कि बुलिंग कुछ जगहों पर तो खामोश रहना बिल्कुल ही ज्यादती है, और मैं बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर एक खास हद तक एक सेक्सुअल अब्यूज है या बुलिंग है उसका इजहार जरूर करें और उनको बोलने का एक्सप्रेस करने का तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि एक दोनों एक्सट्रीम ठीक नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि भाई आप किसी को अगर आप बुली कर रहे हैं तो वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और जुबान से दूसरे को तकलीफ हो, लेकिन दूसरी तरफ उसको भी हम बताते हैं कि आप चिढ़ते हैं तो वो छेड़ता है, लिहाजा आप इनला मा साबिरीन अपनी जगह पे है और आप नहीं चिढ़ेंगे जब आप उसका आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं
تو آپ کو ہم نے دیکھا, میں نے تو کئی جگہ پہ جب صبر کیا تو اللہ نے اس کا پھل دیا. ان ادر ورڈز آپ نے کہا کہ ایک بڑی فائن لائن ہے, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ابیوز ہو رہا ہے, اور جیسے سلمان نے بھی کہا کہ ایک لمٹ تک آپ اس چیز کو برداشت کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں, لیکن پھر آپ کو اس کو کہنا, اس کو دوسروں تک لانا اور اپنے لیے مدد کے لیے دوسروں کو پکارنا بہت لازم ہو جاتا ہے. دوسری طرف بلی ہمیشہ آپ کی کسی ویکنیس کو ہی کریدتا ہے, اسی کو ٹارگیٹ بناتا ہے. تو آپ یا تو اس ویکنیس کو اوور کم کریں کسی بھی طریقے سے, اگر آپ کو آپ کے لہجے پہ, آپ کی کوئی ایسی اسکل پہ جس میں آپ کی مہارت نہیں ہے آپ کو چھیڑا جا رہا ہے, تو بہترین طریقہ تو یہ کہ اپنے غصے کو چینلائز کر کے اس کمی کو پورا کر لیا جائے. اور دوسری طرف یہ کہ اگر وہ چیز آپ کے بس سے باہر ہے, مثال کے طور پہ آپ کی رنگت پہ بات ہو رہی ہے, آپ کے گھریلو انوائرمنٹ پہ بات ہو رہی ہے, آپ کی فائنینشیل اسٹینڈنگ پہ بات ہو رہی ہے, تب میرے خیال میں اس ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس پہ خاموش ہو جایا جائے. بہت بہت شکریہ سلمہ, مسز خان اینڈ ڈاکٹر اقبال فار بینگ ہیئر. اہم گفتگو رہی اور یقیناً آپ کا بھی اس میں انٹرسٹ رہا. مجھے اپنی فیڈ بیک اور کامنٹس دیتے رہیے گا کہ خاموشی سے یا پھر بول کر آپ کو اپنے مسئلوں کو سلجھانا بہتر لگتا ہے, لیکن مسئلہ حتم خاموشی واقعی آپ کے لیے بہت زیادہ اہم رول ادا کر سکتی ہے آپ کے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.